देखो भाई, ऊपर से ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर से हम लोग होके आए, ऊपर वाले से हम, यहाँ ट्रेन और नीचे से पैदल जा रहे हैं। क्या कभी बात है? आपने देखा ऐसे? हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई शानदार वीडियो में। तो भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको बनारस दिखाया, सारनाथ दिखाया, और अभी हम जा रहे हैं राजदरी देवदरी फॉल, मतलब वाटरफॉल, और इस उम्मीद से जा रहे हैं कि शायद वहाँ वाटरफॉल में नहाने को भी मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और जंगलों से होके जाएंगे, मतलब घने जंगलों से। इधर का कोई प्लान नहीं था, बट पता चला कि यहाँ वाटरफॉल है तो पतिदेव ने कहा चलो घूम के आते हैं। जब हम जा रहे हैं तो आपको तो ले जाना बनता ही है। तो ये देखो, अभी रास्ता तो नॉर्मल है, बट आगे और खतरनाक जंगल आने वाला है ना। अब ऐसे ही अगर मानसून होता तो मजा आता, हरियाली हरियाली एक नंबर। देखो जी, हम आ गए हैं पहाड़ों में, लेकिन ये वो वाले पहाड़ नहीं है, ये वाले पहाड़ है, ये वाले से मतलब कि पत्थर चट्टान वाले, लेकिन मस्त लग रहा है। माइनिंग होती है। हाँ, माइनिंग इन द सेंस कि KGF 3 की शूटिंग यही हो रही है। मजाक कर रहे, जोक सपाट। पेड़ पौधे छोटा मोटा सा पेड़ पौधे देख कैसा लग रहा है कि मतलब। हाँ, एक चीज याद है, जब हम लोग मिर्जापुर गए थे ऐसे उधर भी था, लेकिन उस टाइम एकदम सूखा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अभी हरियाली हो गई तो अच्छा लग रहा है। मर गया था पेड़ वाला। अभी और जब सावन आएगा ना तो और चमकेगा। तो देखिए, हम लोग जंगल में जा रहे हैं और यहाँ पे वन विभाग उत्तर प्रदेश, वाहन चलाते समय सड़क के किनारे बीड़ी सिगरेट जलता हुआ ना फेंके, क्योंकि यहाँ पे ये हिरन और भालू रहते हैं। देखो कितना खतरनाक जंगल और है, आगे भी मिलेंगे, तरीके सांप वाले घर बने हैं। मतलब तेंदुआ भी दिखा था, इसलिए ये देखो, मतलब जंगल के इतने रूप हो सकते हैं। यहाँ खेत है, ये ऐसे ही उधर निमाड़ में था, निमाड़ में इधर की मिट्टी लाल है थोड़ी, वहाँ की मिट्टी, ये देखो वहाँ की भी लाल मिट्टी थी। बस भाई चले, यहाँ हिरन क्रॉस करता है, इसीलिए देख के गाड़ी चलाएं। बहुत तेज चलाते हैं। गैया देखो, एक हड्डी हड्डी दिखाते हैं। यहाँ खा के नाम मिलता, मालिक ने खाया अंदर। योगी जी छुड़वा दिए बिना फालतू में। लोग सही बात है, लोग पाले थे, कम से कम लोगों का खेत का फसल बचता था, लोग खिलाते थे। ये कितना मस्त लग रहा है, देखो। दूसरी सी नगर है, एक बार ट्रिप करिए। देखिए दूसरी नगर कहाँ, बिहार पड़ता ना? नहीं, गोरखपुर के आगे चंद सौ बाएं बाएं हो जाइए। दही सॉरी, क्या गया हिंदी करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं खुद ही रोकेंगे, एंट्री करेंगे, गेट गेट खुला, चलिए गेट में खुद ही रोकेंगे। देखिए बात मार रहे ना। तो देखो भाई, ये ना क्या अंदर कर रहा है, प्रवेश की दरें, एंट्री कराएंगे। अच्छा, चले जाइए आप, इधर गेट खराब हो गया, वही तो कहते हैं बारह महीना यहाँ पानी रहता है, बन रहा है, गेट बन जाएगा तो चलेगा। हम वही कह रहे हैं, बारिश में हो जाएगा, बारिश में तो गिरेगा बराबर। भाई बोल रहे गेट खराब, इसी वजह हमारा किस्मत ही खराब है, जितने वाटरफॉल में जाते हैं सब बंद रहता है। इसमें कितनों गर्मी पड़ता है भैया ना, पानी रहता है। देखो भाई, हम आए थे जहाँ एंट्री गेट से ही वापस जाएंगे, कितना बढ़िया रास्ता दिख रहा था यहाँ से, जंगल है इधर। बताओ, गेट खराब होने के कारण बताइए, पूरा मेहनत खराब हो गया। चलिए उधर ही से सोनभद्र से उधर का वाटरफॉल देख लीजिएगा। अरे पानी कहीं नहीं मिलेगा, देखो भाई वाटरफॉल तो हमको दिखा नहीं, लेकिन सामने एक पानी दिख रहा है, ये डैम है, देखो ये उधर से आया है, उधर ही को जा रहा है, हमको लग रहा है यही नदी, उसमें वाटरफॉल गिरता है, हमको भी लग रहा है ना, करेक्ट। रोडवा गोल गोल घूम घूम के है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, अभी इवनिंग के बज रहे हैं 6 और सूरज देखो अभी भी इतने ऊपर है, अभी पता नहीं सनसेट कब होगा, और हमको लग रहा है घाट पे आरती अभी तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि इतना धूप निकला, इतनी जल्दी आरती नहीं होगी, जब मतलब सनसेट होने वाला रहता तब होती है,
फिलहाल हम जहाँ गए थे उधर वाटरफॉल चल नहीं रहा था, तो हम लोग वापस आ गए और अभी हम जा रहे हैं नमो घाट। नमो घाट से होते हुए फिर हम जाएंगे वहाँ कहाँ, अभी नमो घाट नया बना है। हाँ, नमो घाट अभी बनारस में नया बना है, तो हम जा रहे हैं नमो घाट, इधर से घूम के फिर जाएंगे उधर जो नया वाला कॉरिडोर बना है वहाँ साइड। तो देखते हैं इस वीडियो में हम आपको कितना दिखा पाते हैं। चलो ये देखो पुल पे आ गए क्या, पहुँचने वाले हैं। देखो तुमको दिखाना दादा, देखो गाइस सूरज कितना अच्छा लग रहा है गाइस। देखो गाइस ये हंस रहा है लड़का, देखो गाइस तो पागल लग रही लड़की है क्योंकि बार बार सो ही रही थी सुबह से। देखो गाइस ये लड़का हमको पागल बोल रहा है, आप कमेंट करके इसको कुछ बोलो गाइस, तुम्हारे हेटर्स लोग पागल बना रहे हैं। तुम्हारे हेटर्स लोग को बहुत खुशी मिलती होगी जब तुम्हारी इंसल्ट होती होगी ना। देखो भाई हम पहुंच चुके हैं नमो घाट की तरफ, पहुंचे कहाँ पहुंचे वो पुल दिख रहा है। अरे बाप रे, वहां से देखे इधर पार्किंग है, हम पार्किंग में जा रहे थे और इधर जाम लगा है। दूसरी चीज इतना भयंकर आंधी तूफान आया है कि बाइक वाले बाइक लेके भाग रहे हैं सब, गाड़ी से कुछ दिख ही नहीं रहा, बाहर निकल के हम दिखा भी नहीं सकते। बट ये देखो पेड़ देखो साला, अचानक से मौसम ऐसे हो गया, एकदम साफ था। जब ही हम बोल रहे थे सनसेट अभी नहीं हुआ है, बताओ इतनी जल्दी सनसेट हो गया। वो वीडियो बना रहे हैं इधर का तो निकालो रे बाबा, हमको लग रहा आगे गाड़ी नहीं जाएगी, बोलेरो खड़ी है। कैमरे में देखो भाई हमारी गाड़ी, चारों तरफ से लोग खड़े हैं, इधर एक पुलिस वाले अंकल उनकी गाड़ी है वो पीछे ठोक रहे हैं हमारी गाड़ी। घर ही जाएंगे, पहुंचना जरूरी है गाड़ी को, ये नहीं कि निकल जाएं। आंधी तूफान आ रहा है, हाँ, जाम छुड़ी है गाड़ी, इधर भी जाम लगा है, इधर भी देखो बोलेरो खड़ी, इधर भी जाम है, देखना बोलेरो निकल रही है। गाड़ियां आपकी कोई भी गाड़ी हो आप हमेशा गाड़ी पार्किंग में लगाएं। ओ तेरी की, क्या गिर रहा है, क्या है ये, रिकॉर्डिंग गिर रहा है क्या साला, पता नहीं क्या गिर रहा है, टूट टूट के धड़बड़ धड़बड़। ये देखो भाई इसी ब्रिज से हम आए थे, इस पे ट्रेन जा रही है, जाने वाला रास्ता है, नीचे ट्रेन जाती, गजब एकदम मस्त है। पता नहीं हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, इतनी ज्यादा हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है मुंबई में मरीन ड्राइव पे बैठे हुए हैं। देखो यहाँ से सी टाइप का दिख रहा है, वहाँ से पूरे बनारस के 80 घाट है, उतनी दूर में हवा आती है नहीं आएगी। अब 84 घाट हो गए, बनारस में 80 घाट है लेकिन अब 84 हो गए, नए घाट बने हैं चार, तो यहाँ से पूरा वहाँ तक देखो सी टाइप का दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मरीन ड्राइव, पूरा फील आ रहा है। और हवा का प्रेशर कितना तेज है, प्रेशर इतना तेज है कि पता नहीं हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। और उधर नया वाला घाट बना है नमो घाट, अभी जाएंगे उधर, वो उधर सामने। तो भाई एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक पूरे घाट ही हैं, 84 घाट। अगर आप दशाश्वमेध घाट जा रहे हो, दशाश्वमेध बोलते ना, दशाश्वमेध घाट जा रहे हो आरती वगैरह देखने के लिए, तो आरती करके आपको अगर बैठना है ना तो आप इधर ही आओ जहाँ पे नमो घाट बना हुआ है, इधर साइड में, ये देखो एकदम लास्ट। इसका रीजन ये क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है, और इधर तरफ इतना ज़्यादा बैठने के लिए बना दिया गया, देखो लोग वहाँ ऊपर ऊपर बैठे हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, इधर बोटिंग भी कर सकते हो, पूरा यहाँ से पूरा लोग वहाँ तक है, तो ये मस्त, मतलब इधर आओगे तो आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी, और वहाँ उधर साइड एकदम बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, धक्का मुक्की धक्का मुक्की। और हाँ एक चीज़ और बताते हैं, जो यहाँ पे क्रूज चला है, ओ तिरी की देखो देखो वहाँ की लाइट नहीं गई, लाइट चली गई पूरी, हाँ ये देखो अंधेरा हो गया
हाँ तो एक बात बताते हैं, जो यहाँ पे क्रूज चालू है, जब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे ना उधर, हमको 2 घंटे उसी में लग गए, तब हम देखे थे इधर से जा रहा था वो वहाँ पे है। हाँ हाँ, बड़ा वाला क्रूज था, लोग बहुत सारे लोग थे उस पे। हम आए कि हम भी बैठेंगे, चला गया, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं, अगर आएगा तो हम भी बैठेंगे उस पे। पैसेंजर ट्रेन जा रही है और हमको लग रहा पूरी खाली है, लोग ही नहीं दिख रहे हैं उसमें, तो पूरी खाली है, कितना मस्त लग रहा है। हाँ देखो भाई, ऊपर से ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर से हम लोग होके आए, ऊपर वाले से हम, यहाँ ट्रेन और नीचे से पैदल जा रहे हैं। क्या कभी आपने देखा ऐसे? वही हमारा बैड लक, वहाँ पे जो नमो घाट है, जहाँ पे मतलब बना हुआ है हाथ का, वो जो हमको ऊपर से दिख रहा था उधर आज बंद है, और यहाँ पे लाइट शो भी होता है तो वो भी बंद है, पता नहीं क्यों। अभी खुला हो काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये देखो एक और ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी।